कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सरकार का जो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, उसके बारे में। सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में संविधान द्वारा यह तय किया गया कि भारत में शासन करने के लिए सरकार होगी जिसके तीन अंग होंगे। पहला अंग विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी और न्यायपालिका कानून की समीक्षा करने का कार्य करेगी। न्यायपालिका का भारत में सबसे जो ऊंचा जो स्तर है वो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों की अपील सुनता है, या केंद्र में राज्यों के मध्य कोई विवाद हो या विभिन्न राज्यों के मध्य कोई विवाद हो उसका निपटारा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में संविधान के संदर्भ में जो कोई प्रश्न आता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय करने का कार्य करता है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का वरिष्ठ समूह जिन न्यायाधीशों के नामों की अभिशंसा करता है उनको भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कार्य करता है। न्यायाधीशों को एक बार नियुक्ति मिलने के बाद में उनको पद से नहीं हटाया जा सकता, पद की पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन यदि न्यायाधीश कदाचार के दोषी पाए जाए, संविधान विरुद्ध कार्य करे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो जो प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति को हटाने की होती है महाभियोग की, उसी प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे आता है न्यायपालिका की संरचना। तीन स्तर में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं मध्यस्थ न्यायालय। भारत में किसी भी मुकदमे की जो पहले पैरवी होगी, पहले दाखिल होगा, वो जिला एवं मध्यस्थ न्यायालय में जाता है। जिला एवं मध्यस्थ न्यायालय में जो फैसला होता है और किसी एक पक्ष को मंजूर नहीं होता उसकी अपील उच्च न्यायालय करता है। इसके साथ साथ किसी राज्य क्षेत्र में कोई उच्च न्यायालय स्थित है तो उस राज्य क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी रक्षा संबंधी कार्य भी उच्च न्यायालय के पास होता है। उच्च न्यायालय में कोई फैसला मुकदमे में संदर्भ में होता है वो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय फैसला देने का कार्य करता है। इसके साथ साथ भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य कार्य होता है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। इस अध्याय में सभी बहने एक प्रश्न करेगी, भारत में न्यायपालिका की संरचना को समझाइए। सभी बहने साफ साफ होमवर्क की कॉपी में इस प्रश्न को करेंगे। Thank you.